अभी अभी मैं निकला तो मुझे पता लगा, नाजिश ने बताया कि चांद नजर आ गए और चांद की बहुत 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 मुबारकबाद सबके लिए। और ईद पर अपने प्यारों को याद रखें। अच्छा, मैं यहाँ एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा जहां तक पहुंचे कि आपके वो रिश्तेदार जो सफेद पोश हैं, आपके वो जानने वाले जो सफेद पोश हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, मांग नहीं सकते, अगर आपने अपने कपड़े बनाए हैं, अपनी शॉपिंग की है, तो अगर आपने तीनों दिन के तीन सूट बनाए हैं तो आप एक नया सूट पहन लें, जो दो सूट है वो उनको दे दें, उनकी खुशियों में दे दें। और ये सबके लिए, अगर आपने फितराना देना है तो सबसे ज्यादा मुस्तहिक जो है वो आपके वो रिश्तेदार या वो करीबी लोग हैं जो किसी वजह से फाइनेंशियली आप जैसे स्टेबल नहीं है। और मैं तमाम उन लोगों से दरखास्त करूंगा जो ईद की कल नमाज पढ़ेंगे और हम सब भी, तो दुआ में एक चीज की दुआ जरूर कीजिए और वो दुआ है पाकिस्तानियत की दुआ। पाकिस्तान की दुआ तो हमने अक्सर लोगों को करते देखी है, पाकिस्तानियत की करते नहीं देखी। मैं रमजान में तीन चीजों पर बड़ा डिप्रेस रहा नाजिश। एक जो मैंने हाईलाइट भी की कि पाकिस्तान में कब ऐसा होगा, एप्पल का स्टोर बना है इंडिया में, इंडिया ने अपनी मर्सिडीज बनाई है, चाइना अपना सूरज बना रहा है और हमारी कोई तवज्जा नहीं है ना डैम पे ना मुल्क की सालमियत पे। पूरे रमजान हमने लोगों को आटे की लाइनों में मरते देखा है। मैं दोबारा इस ईद के बाद दोबारा कोई ऐसा इवेंट इस मुल्क में नहीं देखना चाहता। अल्लाह इस मुल्क को शादाबाद रखे, आमीन। और बहुत सारी दुआ करें अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला उसको तरक्की दे, जो हमने परेशानियां आफतें देखी हैं अल्लाह ताला उन्हें हम सबसे बचाए। ये ईद बहुत अच्छी प्यारी मीठी ईद है, अपने प्यारों के साथ मनाएं और कोशिश करें इसमें सब खुश रहें। आपके ईद के जितने लोग हैं, आपके हाउस हेल्प पे आपके रिश्तेदार हैं, सफेद पोश लोग हैं, जितनी हो सके अपनी बसात के मुताबिक उनकी हेल्प करें। एक जोड़ा कम बन जाए, दो जोड़े कम बन जाए, वो पहन ले नया जोड़ा, वो पहन ले साफ सुथरा जोड़ा, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी टिप मैं जरूर हम हेल्थ की और देना चाहेंगे, मीठा कम खाने, स्पेशली जो शुगर के मरीज है या वैसे भी, मैं इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा क्योंकि फिर बीमार हो जाते हैं। होता क्या है जब आप बहुत ज्यादा और आपके घर कोई मेहमान आया है ना, अगर वो कह देता है कि मैं खा के आया हूँ, नो मीन्स नो। अगर वो कह देता है मेरा दिल नहीं कर रहा, इसका मतलब भी है नो। अगर वो कह देता है कि मैं अभी खा के आया हूँ, मैंने नहीं खाना, इसका मतलब भी है नो। अगर वो कह देता है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं अपने जो है काम करूँ अपनी सेहत के ऊपर, मैं नहीं खाना चाहता, नो मीन्स नो। अगर वो कहता है मैं चाह नहीं पीनी, मैं बिल्कुल नहीं पीता, मैं छोड़ देती है, इसका मतलब है नो। अगर वो बोतल पीता है और वो कहता है कि मैं हूं बोतल नहीं पीना चाहता और कहता है नो, नो मीन्स नो। हमारे यहाँ एक चीज बड़ा शौक से, वो प्यार मोहब्बत की निशानी होती है, तुनो तुनो तुनो, वो प्यार मोहब्बत की निशानी नहीं होती, वो आप समझे आप जाके उस बंदे का मैदा उड़ा रहे हैं आगे। और आप जब मीठा ज्यादा खाएंगे, बहुत ज्यादा खा लेंगे और जगह जगह जाके भी खाएंगे, तो फिर ईद के दूसरे तीसरे दिन आप मेदे के डॉक्टर के पास आएंगे लेके और फिर हमारी भी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए चांद रात पे ही यही थम जाए, रुक जाए, अच्छी सी प्यारी सी चांद रात मनाएं, अपनी बेगमात को लेके जाए, मेहंदी लगवाएं। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, जिनकी बेगमात यहाँ है, इस चांद रात पर, इस ईद पर उनसे वादा करें कि अगली ईद पर आप उनके साथ होंगे, वो आपके पास होंगे, या उनको ले जाए या उनके पास आके रहे। ये बड़ा मेजर इशू है जिसपे मैं बार बार आवाज उठा रहा हूँ। वो तमाम ओवरसीज जो मुझे देख रहे हैं, जो अपने प्यारों से दूर वीडियो कॉल्स पे चांद रात